केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल पर भाजपा पदाधिकारी और रैली प्रभारियों के साथ बैठक किया तथा कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। बैठक में नोएडा के विधायक व प्रभारी पंकज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए कई लाभकारी योजनाएं लॉन्च की हैं। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा 24 फरवरी को रैली नहीं रैला होगा। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, मंच पर मीटिंग 2 बजे से है, जल्दी आइए यहाँ। आज काम समझ के लॉन्च की नहीं जा रही है, लॉन्च कर भी दी गई है। किसानों को पहली बार स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनके लागत का 1.5 गुना मूल्य किसी ने देने की बात कही तो नरेंद्र मोदी जी ने कही, कर रहे हैं। 6,000 रुपया किसानों को हम अलग से देंगे या किसी ने कहा तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो करती चली जा रही है। तो लॉन्च नहीं, लॉन्च अभी बहुत कुछ करेंगे। सम्मेलन होना है कल, कितने प्रतिनिधि? ये सम्मेलन तो ये है, फिर भी हमें लगता है कि 5,000 से ऊपर के प्रतिनिधि रहेंगे। रैली तो हमेशा यार रैला हुई है, तो रैली कहाँ रह गई?